वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब मजे में हो ना? तो आज से हम लोग हमारे सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप में से किस किस को टाइगर श्रॉफ पसंद है? यस, ज्यादातर सभी बच्चों को हीरो टाइगर श्रॉफ पसंद होगा। मेरा दूसरा प्रश्न है कि टाइगर श्रॉफ की आई एक मूवी जिसका नाम था द फ्लाइंग जट, किसने देखी है? यस, ज्यादातर सारे बच्चों ने ये वाली मूवी देखी होगी। ये मूवी जब शुरू होती है तो शुरुआत के जब उसके अंदर सारे टाइटल्स दिखाए जाते हैं तब उसके अंदर एक स्टोरी कार्टून के रूप में दिखाई गई है जिसके अंदर बताया गया है कि पेड़ कटने से एक जंगल है उसके अंदर पेड़ काट दिए जाते हैं तो उसके कारण जंगल पे क्या इफेक्ट होता है, उसके कारण गांव में क्या इफेक्ट होता है, गांव में पेड़ कटने से शहर में, शहर से पूरी दुनिया में क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बताया गया है। और फिर उसी तरह वही पिक्चर को रिवाइंड करके पेड़ उगाने से पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे एक पेड़ उगाने के कारण एक गांव में, शहर में और पूरी दुनिया में उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो उसके शुरुआत में दिखाया गया है। ये मूवी अगर आपने पूरी तरह देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये मूवी पूरी प्रदूषण के ऊपर बेस्ड है। ओके, उसके अंदर दिखाया गया है कि इंसान ने टेक्नोलॉजी का विकास तो किया परंतु उसके कारण उसने जो जो हानिकारक चीजें बराबर प्रदूषण प्रदूषित करने वाली चीजें उसने बनाई, प्रदूषण फैलाया, उसके कारण सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं परंतु स्पेस के ऊपर भी इंसान ने प्रदूषण फैला दिया है और उसके कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो उस मूवी में दिखाया गया है। तो आज हम ऐसा ही एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर प्रदूषण के बारे में बात की गई है। तो हमारे चैप्टर का नाम है बरगद दादा का जन्मदिन, जिसके अंदर ऐसी ही चीज के बारे में बात की गई है। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस कहानी के द्वारा लेखक ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या की चर्चा करते हुए पर्यावरण संरक्षण द्वारा इसके समाधान के बारे में बताया है। पाठ का परिचय क्या है कि ये कहानी के द्वारा लेखक पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं और उस चर्चा से पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उसमें क्या क्या समाधान कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। तो पाठ का उद्देश्य है शुद्ध पठन करवाना, स्वच्छ पर्यावरण तथा वृक्षों के महत्व की जानकारी देना। मतलब ये पाठ का उद्देश्य है कि आप लोग पाठ का शुद्ध पठन करना सीखे, स्वच्छ पर्यावरण और वृक्षों के इम्पोर्टेंट के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। ओके, तो अब हम देखेंगे चैप्टर को। झाड़े की छुट्टियां थी। झाड़े की का मतलब क्या होता है? विंटर सीजन की, अभी जो चल रहा है उसकी छुट्टियां थी। दोपहर के समय माधवी, सुलेखा और चंद्रेश एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे, यानी दोपहर का समय था और ये तीन लोग, तीन बच्चे, माधवी, सुलेखा और चंद्रेश एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अचानक किसी के खांसने की आवाज आई, खू खू। क्या होता है अचानक? अचानक का मतलब होता है एकाएक, सडनली किसी के खांसने की आवाज आई। खांसना, उसका अर्थ होता है तेज आवाज के साथ फिफड़ों से हवा निकालना, कॉफिंग। ओके, तो ऐसी आवाज आई। अरे यह कौन खांस रहा है, माधवी बोली। खांसी की आवाज सुनकर माधवी नाम की लड़की है वो बोलती है, कौन खांस रहा है? चकित होकर सुलेखा ने कहा, कौन हो सकता है, यहाँ तो कोई नहीं है। चकित होकर, चकित का मतलब होता है हैरान होकर। हैरान होकर सुलेखा ने पूछा कि हम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है तो कौन हो सकता है जो खांसेगा। खो खो, फिर से आवाज आई, दोबारा खांसने की आवाज आई। चंद्रेश इधर उधर झांकते हुए, अरे यह तो बरगद दादा की आवाज है। क्या? देखो, चंद्रेश नाम का जो लड़का है वो इधर उधर झांकने लगा, मतलब इधर उधर देखने लगा और फिर वो बोला कि यह तो बरगद दादा की आवाज
है। अभी बरगद दादा कौन है वो आगे देखते हैं। बरगद दादा, सुलेखा और माधवी आश्चर्यचकित होकर एक स्वर में बोले, यानी जैसे ही चंद्रेश ने बोला कि ये तो बरगद दादा की आवाज है, तो तुरंत ही सुलेखा और माधवी क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और पूछे कि ये कौन है, क्या तुम नहीं जानती, यह यहाँ का बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, पुराना और बूढ़ा होने के कारण सब इसे बरगद दादा कहते हैं, चंद्रेश ने कहा। जब सुलेखा और माधवी ने प्रश्न पूछा कि ये कौन है, तो चंद्रेश उनका परिचय देता है। क्या परिचय देता है, इस पेड़ का, ये पेड़ का परिचय देता है कि ये यहाँ का बहुत पुराना पेड़ है और ये पुराना और बूढ़ा होने के कारण सब लोग इस पेड़ को क्या कहते हैं, बरगद दादा कह के बुलाते हैं। ऐसा चंद्रेश सुलेखा और माधवी को उत्तर देता है। हाँ, चंद्रेश ठीक कह रहा है, सुलेखा बोली, यानी सुलेखा को भी शायद इस बात का पता था, इसलिए वो भी उसकी बात को हामी भरते हुए कहती है कि हाँ चंद्रेश ठीक कह रहा है। माधवी ने कहा, बरगद दादा के पास चलकर देखे। जब चंद्रेश और सुलेखा ने, माधवी कहती है, तो फिर हम बरगद दादा के पास चलकर देखे। जैसे ही वे तीनों बूढ़े बरगद के निकट पहुंचे, उन्हें आवाज सुनाई दी। अब वो तीन लोग कहाँ पे जाने लगते हैं, बरगद दादा के पास, ये पेड़ के पास जाने लगते हैं, तो तुरंत ही उनको आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा स्वागत है बच्चों। ओके, स्वागत का अर्थ होता है सत्कार, अभिवादन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेलकम। और ये वेलकम कौन कर रहा है, बरगद दादा। बरगद दादा ये तीनों बच्चों को क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं। तीनों चकित होकर एक साथ बोले, बरगद दादा आप बोल सकते हैं। तीनों क्या हो गए, चकित हो गए, यानी हैरान हो गए कि बरगद दादा आप बोल सकते हैं। हाँ बच्चों, मैं बोल सुन सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। बरगद दादा क्या उत्तर देते हैं, मैं बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। महसूस का अर्थ होता है अनुभव। ओके, टू फील, यानी फील भी कर सकता हूँ। बरगद दादा ने खांसते हुए कहा, सुलेखा, बरगद दादा ने खांसते हुए कहा, यानी ये उत्तर, मैं बोल सुन सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ, ऐसा बरगद दादा ने खांसते हुए कहा। सुलेखा ने पूछा, आप खांस क्यों रहे हैं, यानी बार बार बरगद दादा को खांसते हुए देखकर फिर सुलेखा उनसे पूछती है कि आप क्यों खांस रहे हैं। बरगद दादा ने उत्तर दिया, अशुद्ध वायु से मुझे खांसी हो रही है। बरगद दादा क्या उत्तर देते हैं उनके खांसने का, कि अशुद्ध वायु के कारण उनको क्या हो गया है, खांसी हो गई है। अशुद्ध का अर्थ होता है इम्प्योर, जो शुद्ध या स्वच्छ न हो उसे कहा जाता है अशुद्ध, यानी ऐसी अशुद्ध वायु हो गई है जिसके कारण मुझे खांसी हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण सबका जीवन खतरे में पड़ गया है। ओके, ऐसा उत्तर कौन देते हैं, बरगद दादा कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण सबका जीवन खतरे में पड़ गया है। पर्यावरण का अर्थ होता है परिवेश या फिर वातावरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंट, और प्रदूषण का अर्थ होता है मैलापन, गंदगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉल्यूशन, यानी एनवायरमेंट कैसा हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है, जिसके कारण सबका जीवन खतरे में पड़ गया है। बरगद दादा, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ये बच्चे तो छोटे छोटे हैं, तो उनको तो कैसे समझ में आएगा कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहा जाता है, इसीलिए ये बच्चे बरगद दादा को पूछते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। तो बरगद दादा उत्तर देते हैं, बच्चों पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण। देखिए सुनिए, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, हमारे चारों ओर का आवरण, पेड़ पौधे, आकाश, पानी,
जलवायु, धरती आदि से पर्यावरण का निर्माण होता है। क्या बताते हैं पर्यावरण कैसे बनता है? तो पेड़ पौधों से, आकाश से, पानी से, जलवायु से, धरती से आदि से पर्यावरण बनता है। यानी कि हमारे चारों ओर वातावरण की जो जो चीजें हैं उन सबको क्या कहा जाता है? पर्यावरण। ओके, तो यहाँ पे वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण के बारे में। उसका अर्थ तो हमने देख लिया, पर ये पर्यावरण प्रदूषित कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।